अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी YouTube वीडियो के लिए उस वीडियो से रिलेटेड टैग्स कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे हम उसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल की ट्रैफिक दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लें, मेरा जो ट्रैफिक आता है 63.6% यूट्यूब सर्च से आता है। यूट्यूब सर्च से क्यों आता है, ये ऑर्गेनिक जो है व्यूज़ है। क्या है? ऑर्गेनिक व्यूज़ है, मतलब ये हमने SEO अच्छी की है, इसी वजह से इतने ज़्यादा परसेंटेज में यूट्यूब सर्च से आती है। अब SEO में जो टैग्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आप लोग यहाँ पे कंपटीशन तो नहीं देख सकते, पर आप लोगों को ये पता चल सकता है कि ये टैग्स जो है ये लोग सर्च करते हैं। तो आपने उस टैग को टारगेट करना है, उसको कॉपी करके अपनी वीडियो में यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यूट्यूब जो है इसको ओपन करना है, और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ नोटपैड। ठीक, इसको मैंने ओपन किया और मिनिमाइज़ किया। अब मान लो मैं यही जो वीडियो बना रहा हूँ, हाउ टू फाइंड टैग, बेस्ट टैग या टैग्स, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, टैग्स निकालता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं टाइप करता हूँ हाउ टू फाइंड बेस्ट टैग्स फॉर, यहाँ पे आप लोग खुद देख ले, खुद बहुत रिकमेंडेड में आते हैं। तो जो टैग्स रिकमेंडेड में आता है और आप लोगों की वीडियो से रिलेटेड है, उसको आप लोगों ने ज़रूर उठाना है। जिस तरह मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, हाउ टू फाइंड बेस्ट टैग फॉर यूट्यूब वीडियो, या यहाँ पे इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये मैं क्या करता हूँ वीडियो का टाइटल भी रखूँगा, हाउ टू फाइंड बेस्ट टैग फॉर यूट्यूब वीडियो। तो मैं इसको वीडियो का टाइटल भी रखूँगा, इसके अलावा इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करूँगा और टैग में भी यूज़ करूँगा। तो मैं करता हूँ इसको कॉपी, और यहाँ पे जो नोट पैड है इसमें मैं करता हूँ पेस्ट। इसके अलावा यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड जो है अब मज़ीद टैग्स फाइंड आउट करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख ले, हाउ टू फाइंड बेस्ट टैग फॉर यूट्यूब वीडियो इन 2022, ये भी मैं क्या करता हूँ कॉपी करता हूँ, क्योंकि ये मेरे वीडियो से रिलेटेड है। और यहाँ पे कामा लगा के मैं करता हूँ पेस्ट। इसके बाद कामा लगा के फिर यहाँ पे आता हूँ और सर्च करता हूँ। जैसे ही आप लोग स्पेस देंगे तो ख़ुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगी टैग्स जो आपकी वीडियो से रिलेटेड है, जो आपने यहाँ पे सर्च किया हुआ है। तो यहाँ पे हाउ टू फाइंड बेस्ट टैग फॉर यूट्यूब वीडियो इन 2022 गेट बेस बाय वायरल टैग, यहाँ पे ये छोड़ दें। इसके अलावा टैग फॉर यूट्यूब वीडियो, टैग यूट्यूब SEO, ये मेरे वीडियो से रिलेटेड है। आप अपने वीडियो से रिलेटेड देख ले, इस तरह ना है कि किसी ने अपना नाम जो दिया था अभी वो भी आप लोग कॉपी करें, इस तरह आप लोग बिल्कुल ना करें। इस तरह टैग जो है कॉपी करें जो आपकी वीडियो से रिलेटेड हो। तो मैं इसको भी करता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैं और देखता हूँ, जैसे ही आप लोग यहाँ पे स्पेस दबाएंगे तो ख़ुद ब खुद ये चीज़ें आ जाएंगी। अब मज़ीद नहीं आते तो हम क्या करते हैं, बेस्ट फॉर यूट्यूब वीडियो। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं फॉर यूट्यूब वीडियो, ये तो हमने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। वीडियो टच टाक, यहाँ पे सिर्फ एस लगा हुआ है। हाउ टू चूज़ बेस्ट टैग फॉर यूट्यूब वीडियो, अब ये भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, तो मैं इसको भी करता हूँ कॉपी। फाइंड या चूज़ या इस तरह टैग जो है और ये आप लोग ज़रूर कॉपी करें अपनी वीडियो से रिलेटेड। इसके अलावा लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है या लॉन्ग टेल टैग जो है उसको आप लोग कॉपी करें। ठीक, उसके ऊपर कंपटीशन नहीं होता तो आप लोग की वीडियो जो है जल्दी ही रैंक हो जाएगी। अब मैं बेस्ट जो है उसको मिटाता हूँ, तो मैं सर्च करूँगा हाउ टू फाइंड, सिर्फ फाइंड किया, फाइंड टैग्स फॉर ऑन यूट्यूब वीडियो, यहाँ पे ये भी मेरे वीडियो से रिलेटेड है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। इसके अलावा यहाँ पे मैं मज़ीद और देखता हूँ, इसके अलावा यहाँ पे मैं करता हूँ फॉर
फॉर टू वीडियो। कभी कभार नहीं आता इस तरह अभी मैं टाइप करता था नहीं आता था, वो नेट का इशू होता है, लेकिन आप लोग चंद सेकंड वेट करें तो खुद बहुत आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी मेरे वीडियो से रिलेटेड है, मैं इसको भी कॉपी करता हूँ। तो इस तरह आप लोग अपने वीडियो से कॉपी करते करते, रिलेटेड कॉपी करते करते, जब आपके 500 करेक्टर बन जाते हैं, 500 करेक्टर से ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लॉन्ग टेल टैग्स हो, उसको आप लोगों ने तकरीबन 10 12 मैक्सिमम 10 12 11 ये आपने यूज़ करना है। अगर कुछ छोटे टैग्स है, शॉर्ट टेल टैग्स हैं, तो चंद वो भी आप लोग यूज़ करें। जिस तरह मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हाउ टू फाइंड टैग्स, हाउ टू फाइंड टैग्स, सिर्फ मैं ये यहाँ पे सर्च करता हूँ, आप लोग देख लीजिए ये होता है कि नहीं होता। हाउ टू फाइंड टैग्स, हाउ टू फाइंड टैग्स, हाउ टू फाइंड टैग्स फॉर वीडियोस, ये भी शॉर्ट टेल में आता है। तो इसको मैंने कॉपी किया। तो कुछ जो है आप लोग लॉन्ग जो है सर्च करें, कुछ आप लोग शॉर्ट जो है वो पेस्ट करें, यहाँ पे फाइंड आउट करें। उसके बाद जब आपके तकरीबन 13 मैक्सिमम 13 या 14 टैग्स बनते हैं, वहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब भी बताएगा कि आप 500 करेक्टर से ज़्यादा है तो इससे मज़ीद आगे ज़्यादा ना करें। तो तकरीबन 14 टैग्स आते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग इस तरह काम करेंगे, हर वीडियो के साथ इस तरह काम करेंगे, तो आप लोग, मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों का जो ट्रैफिक है वो तकरीबन 60% 70% ये यूट्यूब सर्च से आएगा। यूट्यूब सर्च से आएगा तो ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है, ये हर दिन आता रहता है। मतलब आपकी वीडियो जब रैंक होती है तो उस पर पूरा साल व्यूज़ आते रहते हैं, तो आप लोगों का अर्निंग भी अच्छा होगा और आप लोगों के व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा आएंगे, सब कुछ ज़्यादा आएंगे जब आप लोग की वीडियो रैंक होती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रैंकिंग में जो है टाइम लगता है, तकरीबन 15-20 दिन टाइम लगते हैं। अब इस तरह भी नहीं है कि आप लोगों ने अभी अपलोड की है वीडियो, आप लोग का चैनल न्यू है तो अभी अभी आप लोग की वीडियो रैंक हो जाएगी। इसमें तकरीबन 15-20-25 दिन लगते हैं रैंकिंग में। जैसे जैसे व्यूज आते हैं उसी तरह आप लोग की वीडियो जो है ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर सब समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।